सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम तन्वी गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम अननोन फैक्ट्स अबाउट ट्राइकलर। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया, who was a freedom fighter from Andhra Pradesh. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। The Indian flag was adopted on July 22, 1947, just before India received independence from Britain on August 15, 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ हैंडस्पन एंड हैंड वूवन। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ द फ्लैग इज 3:2। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ काता और हाथ से बुना हुआ है। ध्वज की चौड़ाई की लंबाई का अनुपात 3:2 है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बाय लॉ इज टू बी मेड ऑफ खादी, अ स्पेशल टाइप ऑफ हैंडस्पन क्लोथ ऑफ कॉटन और सिल्क मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कायदे से खादी से बना है, एक विशेष प्रकार का हाथ सूती या रेशम का काता हुआ कपड़ा, जिसे महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेवरल अदर डिजाइंस ऑफ इंडियन फ्लैग वर यूज्ड एंड अडॉप्टेड। भारत स्वतंत्रता की अवधि के दौरान भारतीय ध्वज की कई अन्य डिजाइनों को अपनाया गया था। द फर्स्ट इंडियन फ्लैग वॉज होस्टेड ऑन August 7, 1906 एट पारसी बागन स्क्वायर इन कलकत्ता। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में पहला भारतीय ध्वज फहराया गया था। तेंजिंग नॉर्गे होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 29 मई 1952। तेंजिंग नॉर्गे ने 29 मई 1952 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। That's all. Thanks for watching. If you like this video,